नमस्कार दोस्तों, कुकिंग लाइव सविता किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ उपमा बनाना। उपमा बहुत ही जल्दी बन जाती है, सिर्फ 5 से 10 मिनट लगते हैं इसको बनने में, और बहुत ही ज़्यादा ये हेल्दी भी होती है और टेस्टी भी लगती है। कई बार होता है कि बहुत ही कम टाइम होता है तो सुबह के नाश्ते में आप इसे बना सकते हैं, बहुत ही कम टाइम में बनकर तैयार हो जाती है। तो ये कैसे बनाई जाती है, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम कढ़ाई लेंगे। कढ़ाई में ये देखिए, यहाँ पर मैंने ये सूजी ली है। सूजी इसमें मोटे वाली हो तो ज़्यादा अच्छी ये उपमा बनती है, तो बारीक वाली हो तो उससे थोड़ी सी अच्छी तो बन जाती है, लेकिन जो मोटे वाली होती है ना उससे ज़्यादा अच्छी बनती है। अभी इसमें डाल देंगे 1 चम्मच जीरा और इनको अच्छी तरह से यहाँ पर भून लेंगे। इसको जैसे लाल वगैरह नहीं करना है, सिर्फ इसका दाना दाना खिल जाए, थोड़ा सा इसका जो कच्चापन होता है ना वो निकल जाए, सिर्फ 2 से 3 मिनट इसे भून लेंगे। उसके बाद इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। तो चलिए आगे की तैयारी कर लेते हैं, इसे साइड रख देंगे। तो उसी कढ़ाई में यहाँ पर 2 चम्मच मैंने देसी घी लिया है। देसी घी में बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा, वैसे आप इसे किसी भी ऑयल में भी बना सकते हैं। अभी इसमें यहाँ पर कुछ मैंने बादाम लिए हैं, कुछ मैंने काजू लिए हैं, उनको यहाँ पर अच्छी तरह से भून लेंगे। अभी देखिए इनका सुनहरा कलर हो चुका है हल्का सा। अभी इनको हम एक कटोरी में निकाल कर रख देते हैं साइड में। अभी जो बचा हुआ घी है उसमें यहाँ पर हम और चीज़ें ऐड करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने कुछ मूँगफली के दाने लिए, जो कच्चे वाली होती है ना वो मूँगफली ली है, इसको भी डाल देंगे यहाँ पर। अभी इसमें चना दाल डाल देंगे और ये थोड़ी सी उड़द दाल होती है ना जो, वो डाल देंगे इसके अंदर। अभी इसमें यहाँ पर अदरक डाल देंगे थोड़ी सी, और इसमें हरी मिर्च डाल देंगे। यहाँ पर मैंने 2 छोटी हरी मिर्च कट कर ली है, वो भी डाल दी है। आप चाहे तो इसमें और भी वेजिटेबल डाल सकते हैं। ये मैंने कड़ी पत्ते लिए हैं, कड़ी पत्ते इसमें ज़रूर से डालिएगा, क्योंकि कड़ी पत्ते के बगैर ये बिल्कुल उपमा अच्छी नहीं लगती खाने में। तो यहाँ पर प्याज भी डाल दिया मैंने एक बारीक कटा हुआ। तो इन चीज़ों को यहाँ पर अच्छी तरह से भून लेना है, अच्छी तरह भूनेंगे तभी अच्छा टेस्ट आएगा उपमा में। तो यहाँ पर इनको मीडियम से लो आँच कर लेंगे और यहाँ पर भून लेंगे। भूनने के बाद इसमें देखिए, जिस कप से यहाँ पर सूजी ली है उसी कप से यहाँ पर 3 कप मैंने पानी डाला है। अभी इसमें नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार, अच्छी तरह से इसको मिला लेंगे, क्योंकि सूजी है, सूजी ज़्यादा पानी पीती है। तो यहाँ पर इसमें 3 गुना पानी डाल दिया है। अभी इसको अच्छे से मिला लेंगे। अभी देखिए यहाँ पर इस पानी में उबाल आ जाए, उसके बाद यहाँ पर इसमें सूजी ऐड करते जाएंगे और यहाँ पर इसको करछी की सहायता से इसको अच्छी तरह से मिलाते जाएंगे। अभी देखिए 2 से 3 मिनट हो चुकी हैं और ये गाढ़ी हो चुकी है। अभी इसे हम कवर कर देंगे और बिल्कुल लो आँच यहाँ पर कर देनी है। अभी देखिए 4 से 5 मिनट हो चुकी हैं और ये देखिए उपमा बहुत ही अच्छे से बन चुकी है। अभी इसे ठंडा होने देंगे, उसके बाद इसे सर्व कर लेते हैं। बहुत ही अच्छे से बनकर तैयार हो जाती है ये, आप इसे मॉर्निंग के टाइम में बना सकते हैं, बहुत ही जल्दी बनकर तैयार होती है। अभी ऊपर से इसमें यहाँ पर जैसे भुने हुए काजू बादाम थे ना वो डाल देंगे इसके अंदर, अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। उसके बाद इसे ठंडा होने देंगे। ये देखिए बहुत अच्छी बनकर तैयार हुई है और यहाँ पर ठंडी हो चुकी है। तो यहाँ पर मैंने प्लेट में सर्व कर ली है। ये देखिए बहुत ही बढ़िया ये उपमा बनकर तैयार हुई है। आप इसी तरीके से एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।